थैंक यू भाई सामान लाने के लिए। विशाल क्या है यार, तुम कहाँ पे थे? तुमने एक लेडीज हो, ठीक है, और महिला की पुलिस भी सुनती है, तुमने उनके ऊपर केस कर दो यार। तुम यार मुझे किसी पे केस करना ही नहीं, मैं तुम्हारे पापा पे केस क्यों करूं? और बात नहीं बुड्ढे की, उसकी ना धन दौलत चाहिए मुझे, ना उसके 1 रुपया चाहिए, सब पे मैं थूकता हूँ उसकी प्यासों की। दी है यार, मैं कैसे हो, छोड़ दो तुम बता। ये क्या कर रहे हैं तू? तेरी मम्मी क्या कर रहे हो पापा? कर रहा है ये काम तेरे लायक है? तेरे घर में 10-10, 20-20 नौकर है तेरे बाप के, ये क्या काम कर? पापा बेटा इससे शादी मत कर, मैं आपकी बहुत अच्छी लड़की से शादी करा दूंगा। मुझे ऐसी सा करने, मुझे आपकी अच्छी लड़की, पैसों वाली लड़की नहीं चाहिए। भैया प्लीज समझो ना आप मेरी बात को, सच में मुझे कोई एतराज नहीं है जान भी। देखो मैंने कैमरा भी लगाया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच कह रही हो। मैं सच में सच, अगर तुम सच कह रही हो ना, सच बता रहा हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, बस वो इंसान गलत होना चाहिए। तुम्हें सच में परेशान कर रहा है वो? हाँ, वो उसके सारे चाचा था वगैरह सब, और प्लस में गुंडे वगैरह भी भेज रहा है वो मेरे को तंग करने के लिए। भैया मैं कैसे बताऊँ आपको, मेरे को नहीं पता, आप अभी जल्दी। पहली बात तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो इतने पैसे वाले हैं तो अपने बच्चे को ढूंढ क्यों नहीं ले रहे हैं? तो वो लड़का तुमसे क्यों कॉन्टेक्ट कर रहा है? वो लड़का इतना करोड़पति होते हुए वो लड़का जोमेटो का क्यों काम कर रहा है? भैया वो उसकी बहुत लंबी कहानी है उसके पीछे, मतलब ये समझ लो आप, एक तो जल्दी इंट्रो स्टार्ट कर दो, वो कभी भी आ जाएंगे। देख लो कितने कॉल आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? वो बहुत मतलब अलग स्टोरी है इसके पीछे, जब वो उस जेप्टो वाला जो काम करने लग गया, मैं क्या करूँ भैया, कैसे बताऊँ? देखो जानवी, हमको सारी चीज़ें समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि A to Z कैमरे पे स्टार्ट करके बताएंगे। जब तक उसके पापा आएंगे आने दो, फोन अगर आता भी है ना तो उनको बोल देना यहाँ पे आने के लिए, कोई इशू नहीं है, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? हाँ। स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, मैं मासूम, और हमारे साथ यहाँ बैठी हुई है जानवी। और जानवी जो चीज़ें यहाँ पे बोलने आई ना, मुझे समझ में थोड़ा बहुत आया है यहाँ पे कि एक लड़का है जो अमीर बाप का बेटा है, वो जोमेटो का काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। ये जैसा बता रही है कि वो आन बान शान के चक्करों में, अपने पैरों पे खड़ा रहने के चक्करों में, इसको दिखाने के लिए, इससे शादी करने के लिए वो जोमेटो का काम कर रही है। ये बात सच है झूठ है, एक बार बताओ पूरी चीज़ें, कहानी ये स्टार्ट कहाँ से हुई, तुम जानते कैसे हो विशाल को? भैया मैं और विशाल ना, मतलब हमारा रिलेशनशिप चल रहा था, फिर उसके बाद हमने बात करी आपस में कि हम शादी कर लेते हैं, तो हम अपने घर वालों से बात करी, तो पहले विशाल के घर पे बात करी उसके पापा से। तो मैं मेनली डांसर हूँ, तो मैं डांस सिखाती हूँ एकेडमी में, ठीक है? तो मतलब जब बात हुई ना, तो इसके पापा ने पूछा कि तुम क्या करती हो, तुम क्या हो, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं डांसर हूँ और ये वो, तो उन्होंने मेरे को बहुत बदतमीजी करी उस टाइम। यानी कि विशाल तुम्हें अपने घर ले गया? हाँ। उसके बाद आगे क्या हुआ? फिर उसके पापा ने मेरे को बिल्कुल हड़का दिया एकदम से, कह रहे कि हमें मतलब नहीं करवानी कोई भी डांसर वांसर से शादी, हमें बिजनेस वूमेन चाहिए, हमें ऐसे नहीं चाहिए, मैं बिजनेसमैन हूँ और तेरी शादी से कभी नहीं होने दूंगा, तू यहाँ से जा, ठीक है? हाँ। उसके बाद तुम वहाँ से गुस्से से निकली? हाँ मैं वहाँ से चली गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा बस मेरे को गुस्सा भी था, तो विशाल मेरे को मनाने आया, तो मैंने बोल दिया उसको गुस्से में कि यार तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पापा की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना, और तुम्हारे बस की नहीं, जब तुम खुद पर स्टैंड हो तभी मेरे से बात करना। ओके। है ना, अभी तुम पापा के दम पे हो, तुम्हारे बस की नहीं शादी, जब तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। हाँ। तब मुझसे आना बात करना। हाँ। तुमने एग्जैक्टली तुमने यही कहा था। हाँ, यही और मेरे ख्याल से ये बात तुमने सच बोला और सही बोला। हाँ। और हमेशा इंसान के लिए ना सच कड़वा होता है। उसके बाद उसने जोमेटो बॉय बनने का ठाना? मुझे देखो मेरे को उसने क्लियर कुछ बताया नहीं था, अचानक ही ना कुछ दिनों के अंदर, जाते थे 1 हफ्ते के अंदर ना वो घर छोड़ के चले गया अपना। अच्छा। ठीक है, ये बात 6 महीने हो गए। हाँ। ओके। और 6 महीने हो चुके इस बात को, और वो घर छोड़ के गया, ठीक है, उसने मेरे को स्टार्टिंग में नहीं बताया, फिर बीच में बोल रहे कि मैं ना मतलब बाहर हूँ, अब मेरे से बात तो करता है वो फोन पे, पर वो घर से बाहर है। वो ना मतलब बताता नहीं है कहाँ पे है, क्या काम कर रहे हैं, वो भी इतना पता नहीं था, ठीक है, बहुत मैंने से भी पता सा लगाया है, हिंट सी लगी कि हाँ ऐसे, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने उसे देखा है वो ड्रेसअप में, तो इसलिए मेरे को पता चला है थोड़ा कि हाँ वो जोमेटो वगैरह कर रहा है। उसने मेरे को कोई चीज़ नहीं बता रखी कि उसे माफ़ी वगैरह मांगी जो तुमने गुस्से में? मैंने बहुत माफ़ी मांगी है, मैंने उसे इतनी बार सॉरी बोला है, चलो मैंने गुस्से में बोल दिया,
उसके बाप कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी गुंडे भेज देते हैं, कभी पुलिस वालों से फोन करा रहे हैं, मुझे कह रहे तुझे जेल में बंद कर दूंगा, तेरे खानदान को भी करवा दूंगा। बहुत पीछे पड़ गए हैं भैया, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। रो मत, मुझे बस इतना बताओ जानवी, कितने दिनों से तुम्हें परेशान किया जा रहा है? मेरे को कम से कम जब से वो गया है ना उसके एक हफ्ते से। किसका कॉल आ रहा है? उनका है। बात को हम चुप, मैं क्या बात करूं, चुप चाप बात करूं, इनको यहाँ बुलाओ। हेलो, हेलो, कहाँ पे हो अंकल जी? अरे जानवी जी, मैं पार्क में आप कहाँ हो? हैं? मैं इधर पार्क में हूँ, आप कहाँ हो? मैं लास्ट में हूँ पार्क के पेड़ के पास, लास्ट में पार्क के आना पेड़ के पास बैठी हूँ, आप आ जाओ अंकल जी। ठीक है, मेरा पेट को बुलाना। देखो वो आ रहे हैं, मेरी बात सुनो, जितना देर में वो आएंगे ना इंट्रो बस खत्म करते हैं। एक चीज़ बताओ मुझे, उसके पापा कितने दिनों से परेशान कर और तुम्हें थ्रेट क्या दे रहे हैं, क्या बोलते हैं वो? मुझे मतलब बहुत दिन, कम से कम जब से वो गया है ना उसके एक हफ्ते बाद से ही मेरे पीछे पड़ गए, कह रहे तेरी वजह से गया होगा, और मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे अगर तू ऐसे करेगी तो छोड़ूंगा नहीं। जानवी, 6 महीने से मेरा बेटा आपके साथ है, कहाँ है? आपने इंद्र को कहा मिलाऊंगा? कब मिलाऊंगा मेरे बेटे? अंकल जी मुझे नहीं पता। बेटा इन्होंने मेरे जो घर को बर्बाद कर रखा है। बैठो अंकल। अंकल जी मेरे को नहीं पता वो तो कहाँ। आपने कॉल करके मुझे बोला है कि भाई आपके बेटे से मैं मिलाऊंगी। बैठो तो आप, देखो अंकल आप मुझे भी नॉलेज है आपका बच्चा कहाँ है, आप बैठ तो जाओ, झगड़ा करके क्या होगा? नहीं होगा तो कुछ नहीं, कम से कम ये 6 महीने से मेरा एक बेटा है, उसकी माँ तड़प रही है, वो बेटा इसके साथ है ना, तो ये बेटे से मिला रही है। मेरे साथ नहीं अंकल जी, आपको कितनी बार समझाया, आप मुझे धमकियां दे रहे हो, कुछ कर रहे हो। आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, और धमकी फिर देनी ही पड़ेगी मेरे को, कम से कम एक बार। आपने अंकल मेरी बात सुनो, पहली बात तो मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ। देखो अंकल, देखो कैमरा लगा हुआ वहाँ पे, तो ये कैमरा लगा रखा, कैमरे के बारे धमकी दे रहे हो आप? धमकी देने के लिए नहीं लाए अंकल जी। तो क्या यहाँ पे मेरा ड्रामा खींचने के लिए लाए हो अंकल जी? मेरी बात सुनो, अगर ये लड़की तो आपके बच्चे को कैद करके रखती ना, तो ये कैमरा लगा के ये सारी बातें एक्सेप्ट नहीं करती। आपका बच्चा कहाँ है ना, मैं बताऊंगा आपका बच्चा कहाँ है, रुको मैं बता, नहीं नहीं रुको, इनको बताना पड़ेगा ना। बताइए कहाँ मेरा बच्चा, मैं दिखा रहा हूँ, आप 2 मिनट चुप रह सकते हैं, आप बच्चे का आवाज पहचान लोगे ना? पहचान लूंगा। ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ, एकदम चुप रहना आप, सुनो आप। हमारी बात विशाल से हो रही है क्या? हाँ जी सर, बताइए। एक्चुअली मुझे ना जोमेटो पर कुछ सामान ऑर्डर करना था। सर आप जोमेटो ऐप से ऑर्डर करिए ना सर। अरे भाई साहब, एक्चुअली देखो क्या है ना कि यहाँ पे सीन ये हो गया ना, मेरा डाटा अभी जस्ट ख़त्म हुआ, और डाटा है नहीं, ना रिचार्ज कर सकता हूँ, ना कोई ऐप ऑन कर सकता हूँ, तो आपसे मैंने लास्ट टाइम 1.5 महीने पहले ना मैंने ऑर्डर लिया था उत्तम नगर में। देखो भाई साहब, एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, ज़्यादा कुछ लाना नहीं है, चिप्स लाना है, कोल्ड ड्रिंक लाना है, तो ला सकते हो तो बोलो भैया, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, डबल ट्रिपल जितना बोलोगे, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट है और यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। हाँ भाई, भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कैश दे दूंगा आपको, बस आप आ जाओ। ये उत्तम नगर है ना, अंदर आपको ना नेताजी पार्क मिलेगा, गेट नंबर 1 से जैसे अंदर आओगे ना मैं सामने दिख जाऊंगा पेड़ के नीचे। हाँ 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 ना, मैं आपको देखो, मैं जियो पे जियो कॉल लग गया अचानक, तो मैंने आपको कॉल कर दिया, ना मैसेज जा सकता ना लोकेशन जा सकता है, एक बार और सुन लो, उत्तम नगर नेताजी पार्क गेट नंबर 1 पीपल के पेड़ के नीचे। ओके ठीक है ठीक। कौन था आप ही बताओ, आपका बेटा था? हाँ ये मेरा बेटा था। आपका बेटा अगर कैद किया होता तो वो आजाद कैसे घूम रहा है बाहर, जोमेटो का खाना ऑर्डर कैसे कर रहा है, ये पहले बताओ आप। इस चीज का मैं क्या जानू, मेरा बेटा तो इनके पास है। मेरे पास नहीं है, मैं आपको कितनी बार समझा चुकी। बोलो तुम अपना सफाई में बोलना पड़ेगा जानवी, नहीं तो ये तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। ये मेरे पीछे ना गुंडे भेजते और कभी कुछ करते, तंग कर रखा है मेरे को, जबकि मेरे पास नहीं है आपका बेटा। बेटा मेरा बेटा आपके पास है, आपने मुझे कहा कि मैं फोन करके, आपने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं आपके बेटे से मिलाऊंगी। आपने अपनी कानों से सुना ना आपका बेटा का, तो आप अभी तक क्यों नहीं बिलीव कर रहे हैं आपका बेटा अपनी मर्जी से काम कर रहा है? ठीक है मैं बिलीव करूंगा जब जब वो मेरा बेटा मेरे सामने आ जाएगा। पक्का ना? पक्का। देखो अंकल जी, आपसे मैं कैमरे पे ये बात बोल रहा हूँ, अगर आपका बेटा ये प्रूफ हो जाता है कि इसने कैद नहीं किया, खड़े हो जाओ। मेरे पीछे नहीं, आप इनके पीछे के, आप इनके आस पास भी नजर नहीं आओगे,
नहीं तो ये वीडियो मैं पुलिस में दूंगा और आपकी जो धंधे है ना, जितने करोड़ों पति का जो आपने बना रखा है ना, सारा बिजनेस ठप करवा दूंगा। मुझे कैमरे की धमकी ना दे, इस चीज से मैं नहीं डरता हूँ। तो आप भी अपने पैसे की धमकी इसको ना दिया करें, ठीक है? ये हमारा पर्सनल मामला है, जिसने मेरे बेटे को अपने अंदर आप देखो अंकल, पर्सनल तब तक होता जब तक आपका बेटा शामिल होता है इसमें। आपका बेटा आपसे दूर है अपनी मर्जी से। मानता हूँ मेरा बेटा दूर है, लेकिन मेरे बेटे को लेके ये मेरे पास घर आई थी। जानवी की कोई गलती नहीं है यहाँ पे, आपके गलती आपके बेटे से है। आपका बेटा यहाँ पे आ रहा है, आप अपने बेटे से पूछ लेना। फिलहाल के लिए वो पेड़ दिख रहे ना, उसके पास जाओ, छुप के रहो आप। कैसा आदमी है ये, मैं क्या करूं? देखना अब बस एक ही चीज बोल रहा है कि इसकी गलती है, इसकी गलती देखो है। देखो मुझे नहीं पता ये इंसान क्या कर सकता है, करेगा, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है जानवी। मुझे बस यहाँ पे ये क्लियर कट आउट करना है, जब वो यहाँ पे आएगा मैं जब उसको पैसे दे दूंगा, आप यहाँ आके उससे बात करना फेस टू फेस, ठीक है? अब जाओ यहाँ से। बाकी दोस्तों वीडियो में क्या सारी चीजें होगी मैं वीडियो में दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहो। भाई इधर इधर, थैंक यू भाई सामान लाने के लिए। काम का टाइम था, फिर आपका आया ऑर्डर तो मैंने चलो मैं दे ही जाता हूँ। अरे भाई देखो एक्चुअली पता है भाई जी, मेरे पास डाटा देखो खत्म, नेट चल ही नहीं रहा, फोन लग रहा है सबको। कोई बात नहीं सर, हो जाता है कभी कभी ऐसा। ये लीजिए सर आपके। थैंक यू यार, तुमने मेरा फेवरेट ले गया भाई। कोल्ड ड्रिंक भी सर। थैंक यू सो मच भाई। सर देखिए 100 रुपये का है, आप 200 रुपये दे दीजिए। हाँ अरे हाँ भाई कोई नहीं, ये रखो भाई। सर ये तो ज़्यादा है सर, 200 दे दीजिए। रख लो भाई, थैंक यू बोल रहा हूँ। अरे नहीं सर, मेरे को जितना उतना दे दीजिए। रख लो आप, रख लो सर, आप तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, कोई बात नहीं भाई, थैंक यू, मैं बोल रहा हूँ। ओके विशाल, क्या है यार, तुम कहाँ पे थे? मैंने तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, कितनी बार पूछा तुम कहाँ हो यार, तुम्हें थोड़ी बहुत भी फिक्र है मेरी? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ किसने बुला लिया? मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे को मिलने के लिए। मेरे से मिलने के लिए? हाँ। तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पे हूँ? तुम यहाँ आए हो, मैं तुम्हारे पीछे करके आई हूँ। अरे मेरे पीछे तुम, यार तुम मेरे काम का समय है अभी, तुम क्या बताऊँ मैं तुम्हारा? यार तुम नहीं समझते हो यार, पता नहीं क्या ही है तुमको, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? तुम्हें कितनी बार बोला मैंने, सॉरी भी बोला, तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारे पापा मेरे पीछे गुंडे लेके पड़े हुए हैं। तुम्हारे पीछे गुंडे लेके पड़े हुए क्यों? तुम मेरी बात सुनते नहीं, मेरा फोन भी है कभी कभार नहीं उठाते, अपने काम में घुसे जा रहे हो। मैं क्या करूं, मुझे स्ट्रगल करना है यार, जल्दी से मुझे पैसा कमाना है। मैं ही नहीं रहूंगी, तुम स्ट्रगल क्या करोगे? तुम्हारे पापा मेरे पूरे खानदान के लिए पुलिस लगा के बैठे हैं, पता है तुम्हें? तुम नहीं समझ रहे हो, मैंने उनका घर बार वैसे भी छोड़ दिया यार, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तुमसे मतलब है, मैं काम, मैं तुम्हें किस तरह बताऊं कि तुम खुद देख रहे हो मैं क्या काम कर रहा हूं अभी, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं ना, कि मुझे अपना बिजनेस भी करना आगे चल के, अपना काम भी करना है। घर जाके कर लो ना यार, तुम्हारा तो सब कुछ है घर पे, तो तुम्हें यहाँ पे धक्के खाने की क्या जरूरत है? अरे मुझे वो नहीं करना, मुझे अपने पाप के दम पे जीना ही नहीं है, जो करूंगा मैं अपने खुद के दम पे करूंगा। तुम अपने दम पे कर सकते हो ना सब कुछ? नहीं करना ना मेरे को, मुझे किसी की धमकी नहीं सुननी, क्योंकि वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो कर लेंगे यार, नहीं कर रहे तुम्हें एक्सेप्ट वो यार। अच्छा मेरी चीज बताओ, तुम्हारे तुम्हें लेके गया था मेरे पापा के पास, उन्होंने क्या बोला तुमसे? उन्होंने मना कर दिया तो था। मैं क्या जब मना कर दिया तो मैं उनकी बात पे नहीं रह सकता। वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं बहुत बुरी तरह, मैं गली में आ जा नहीं सकती हूँ, कभी कोई मेरे पीछा कर रहा होता है, कभी कोई मेरा पीछा कर रहा होता है, बताओ मैं क्या करूँ यार, मैं परेशान हो गई हूँ यार तुम्हारे होते हुए भी। परेशान मत हो, तुम उनको बोलो ना कि मेरे, और तुम हो कि मेरे को कोई एड्रेस भी नहीं बताते अपना, ना तुम बताते हो कहाँ रहते हो, आज तो बड़ी मुश्किल से दिख गए हो तुम जो मैं आई हूँ यहाँ पे। अरे मैं एड्रेस बताऊंगा तो मेरा बाप मुझे ढूंढ लेगा, मेरी बात तो समझो तुम। नहीं बताती मुझे, मुझे, मुझे वो काम नहीं करने देगा, वो काम नहीं करने देगा, मैं कहाँ से आगे तक के लिए सोचूंगा, मेरे को आगे भी तो काम करना है यार, पैसा बहुत चाहिए अपनी लाइफ में यार। तो अब क्या करूँ मैं, मुझे बताओ ना यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार तुम कुछ मत करो, कुछ दिन की बात है, थोड़ा दिन एडजस्ट करो, मैं सब ठीक कर दूंगा धीमे धीमे, ठीक है? कुछ ठीक नहीं होगा, उससे पहले तुम्हारे पापा हरकत कर रहे हैं। अरे वो पागल है, वो बुड्ढे हो चुके हैं, उनका दिमाग नहीं है, ठीक है? उनको जो कर रहा है करने दो यार, उनको उनके पीछे तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो सुनो मेरी ना बात सुनो, रुको, देखो मैं काम कर रहा हूँ, दिल और जान से काम कर रहा हूँ, ठीक है? आप टेंशन मत लो, मैंने अच्छे खासे 40-50 रुपए जमा भी कर लिए हैं, अच्छा, ठीक है? और हम लोग शादी कर सकते हैं यार, हमें अपने बाप की जरूरत नहीं है यार, हमें जरूरत नहीं कि लाखों करोड़ों में शादी करनी है, हम दोनों को शादी करनी है, लाखों में भी नहीं तो हजारों में भी शादी होती है और अच्छी होती है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे बाबा मुझे गोली मार देंगे। ऐसे कैसे मार देंगे यार, जब तुम मेरे साथ रहोगे तो ऐसे कैसे मार देंगे यार? तुम्हें ही नहीं पता तुम्हारे पापा क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते।
उनके पास पैसा है, अपने पैसों गर्मी दिखाते होंगे और वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब तुम मेरे साथ रहोगे तो उनकी वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मेरी तुम बात करो, मेरे पर विश्वास करो, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मैं ऐसे कैसे विश्वास करो, वो तो मेरे को ही गुनहगार मान रखा है कि हाँ तूने तू लेके भगी पड़ी, उन्हें लग रहा है तुम मेरे साथ रह रहे हो। मैं क्या करूँ बताओ, कैसे करूँ? मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं, उनको छोड़ दो, उनकी हालत देखो, मुझे काम करने दो, क्योंकि पता है मैं काम करूंगा तभी पैसे जमा होगा। मैं पैसा कर तो अपने लिए रहा हूं ना यार, मुझे क्या मतलब है दुनियादारी से? तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैंने अपने बाप को छोड़ा इसलिए था कि हम दोनों की ना बीच में जब रुकावट आ रही थी वो रुकावट ना आए। मैंने अपने अच्छे खासे घर धन दौलत गाड़ी बंगला सब छोड़ दिया, जब तुम्हें खुद अच्छी तरह पता है। तो मैंने पता नहीं क्या हालत बना ली अपनी, देख रहे हो? अरे तो कोई बात नहीं, हालत में क्या यार, हालत ठीक हो जाएगी, पैसा इकट्ठा कर दो, रहो ना, अपना घर बच जाएगा, तो मेरे साथ रहोगे, सब कुछ अपना पहले की तरह एडजस्ट हो जाएगा यार। नहीं होगा, हम पहले भी तो खुश रहते थे ना, वैसे सब कुछ मैं धीमे धीमे कर दो, मेरा विश्वास तो करो। मैं क्या, टाइम दो तो थोड़ा सा और। मैं तो टाइम दे दूंगी, तुम्हारे पापा मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, वो मेरे पीछे पड़े हुए बहुत बहुत बुरी तरह। तुम एक बार उनसे बात क्यों नहीं करते हो? अरे मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी यार, मैं तो उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, ठीक है? तो तुम्हें ऐसे नहीं करना यार, बात करके एक बार कोशिश तो करो, वो पापा ही है तुम्हारे। पापा है वो अपनी जगह पे, ठीक है। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दूसरी बात ये है कि मैं जब तक वो आपको लेकर के एग्री नहीं होंगे, ना मुझे उनकी शक्ल देखनी है, ना मुझे उनके घर जाना है, और ना मुझे उनसे कोई मतलब है, ना उनके पैसों से, ना उनकी गाड़ी, ना बंगला, ना उनके घर, ना उनका खाना पीना, मुझे कुछ नहीं चाहिए उनका यार। तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं तो मैं हर चीज़ को लेकर के एग्री हूँ, मैं हर चीज़ करने तैयार हूँ। उनका जो बिजनेस मैंने छोड़ा है मैं वो भी करूँगा, वो पता है क्यों कर रहे हैं? उनका बिजनेस ना बंद हो जाए, सारा तो मेरे ऊपर था, अब मैं कर नहीं रहा हूँ, अब हो रहे हैं परेशान, तो होने दो ना यार, हमें क्या मतलब है? तुमने एक लेडीज हो, ठीक है, और महिला की पुलिस भी सुनती है, तुमने उनके ऊपर केस कर दो यार। तुम यार मुझे किसी पे केस करना ही नहीं, मैं तुम्हारे पापा पे केस क्यों करूँ? बड़े बस उनको बोल दो कि तुम मेरे पीछे ना पड़े, मेरे को यार मेरी बात तुम्हें ज्यादा परेशान कर रखा है उन बुड्ढे ने। तो मेरी एक बात सुनो, तुम ना अभी चलो मेरे साथ, ठीक है, हम अभी शादी करेंगे इसी वक्त, और देखता हूँ कौन रोकेगा मेरे को। और बात नहीं बुड्ढे की, उसकी ना धन दौलत चाहिए मुझे, ना उसके एक रुपया चाहिए, सब पे मैं थूकता हूँ उसकी पैसों की, दी है तब नहीं बुड्ढे से, वो सटिया गया है अपनी बीवी के साथ खुश रहे वो, वैसे मेरी माया तो क्या हुआ, मुझे नहीं रहना उसके साथ, तुम चलो मेरे साथ अभी चलो तुम यार। चलो पर एक मिनट सुनो तो सही। क्या सुनूं मैं यार, ऐसे शादी करना ठीक थोड़ी है। तुम प्यार करती हो ना मेरे से? अरे यार ये कोई पूछने की बात होती है? तुम प्यार करती हो? हाँ। तो तुम्हें शादी करने में क्या दिक्कत है? अरे तो वो मर्जी से होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे तुम्हारी मर्जी नहीं है क्या मेरे शादी करने के लिए यार? अरे तो पापा तुम्हारी मर्जी से, अरे पापा पापा यार पापा भाड़ में जा, मुझे क्या मतलब है पापा से यार, वही वाली बात करी बारा, पापा पापा यार वो पीछे पड़ जाएंगे हमारे यार। अरे पढ़ने दो पीछे यार, मुझे कोई मतलब नहीं है उस इंसान से। भाई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम यार? तुम मेरी बात समझो, मेरे पापा हैं वो ना पागल हो गए हैं अब, ठीक है, उनको तुम छोड़ दो, उनसे मतलब मत रखो, तुम मुझसे शादी करो ना यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। मेरे को नहीं समझ आ रहा यार, तुम मेरे से प्यार करती भी हो कि नहीं करती? मैं तो समझ नहीं आ रहा यार, वो तो उसका कोई पूछने की बात होती है क्या? तो फिर इतना टेंशन वाली क्या बात, तुम मुझसे शादी करो, बाकी बात खत्म, सेटलमेंट सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे पापा ने आके हमारे साथ कुछ कर दिया, फिर क्या करेंगे? कैसे कर देंगे, मैं हूं ना वहां पे यार, क्या कर देंगे वो? ओ तुम्हें ढूंढ रहे, वो तो तुम मिले नहीं हो उन्हें, पता नहीं कैसे ढूंढने दो उन्हें, मैं उनके हाथ आने वाला है, तुम शादी कर लो, हम कहीं बाहर जाकर रह लेंगे, इस शहर में तो उनकी चलती है, बाहर तो नहीं चलती, हम बाहर रह लेंगे, बाहर काम करे खा लेंगे। वो इस शहर से निकलने देंगे हमें? क्यों नहीं निकलने देंगे, क्या उनके जगह हर जगह का इतने बड़े धीम नहीं है यार, समझो ठीक है, अपनी जगह पर हुनर है भी तो। मैं तो दिमाग खराब कर दिया इंसान ने यार, जो हो रहा है सब सही हो रहा है, ठीक है, मैंने अपने पैसे जमा कर लिए चले 50,000 रुपए, और हम चाहे तो उसमें भी शादी कर सकते हैं, तो अभी चलो मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ तुमसे, तुम तो एग्री हो यार? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है शादी करने से, लेकिन वो एक बार तुम वो क्लियर रखो ना यार, तुम्हें नहीं पता, तुम एक बार अपने पापा से बात तो करो। क्लियर जब रखा जाता है, जब किसी से रिश्ता हो, जब किसी से उस चीज को मानते हो, जब मुझे कोई रिश्ता ही नहीं रखना, जब मुझे कोई मतलब ही नहीं, मैं क्लियर क्या करूं, ऑलरेडी पहले ही क्लियर हो चुका है यार। वो तो तुम्हारे से मतलब रखे बैठे है ना, भाड़ में मैं चली भी गई तुम्हारे से, मेरे घर वाले तो यहीं पे है ना। सुनो वो उनका मतलब जाए भाड़ में, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तुमसे। तो मेरे घर वाले तो यही है ना, तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे यार? यार देखो तुम ना उनकी टेंशन छोड़ो, ठीक है यार, मैं कैसे हो छोड़ दो तुम बता। ये क्या कर रहे हो तू? तेरी मम्मी क्या कर रहे हो पापा? तेरे को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ 6 महीने से बेटा, तेरी मम्मी बीमार है, चारपाई में पड़ी है, घर चल बेटा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर। नहीं बेटा चल, मैं आपके कह रहे थे सारी तेरी आपकी सारी शर्तें मान लूंगा। अरे बेटा इतनी धन दौलत होने के बाद में क्यों इस लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है? क्यों
अरे नहीं चाहिए तुम्हारे धंधे लोग भाड़ में जाए, तुम्हारे धंधे लोग तुम्हारे धंधे का कोई मतलब नहीं है। और तुम उसको ऐसे कैसे बोल रहे हो? तुम क्यों ना बोलू, इसके पीछे जो तो आपने घर छोड़ दिया, अपनी माँ छोड़ दी, अपना बाप छोड़ मैंने दिया। अभी प्रूफ करा है कि मैं नहीं लेके गई उसको। मैं सब छोड़ दूंगा, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करूंगा। मैंने तुमसे जब पहले भी कही थी और अब भी कह रहा हूँ। बेटा इससे शादी मत कर, मैं आपकी बहुत अच्छी लड़की से शादी करा दूंगा। मुझे ऐसी से करनी है, मुझे आपकी अच्छी लड़की पैसों वाली लड़की नहीं चाहिए। भी है मुझे जो पसंद है तो आप मानेंगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बेटा मैं एक मिनट अपने आपकी मम्मी से बात कर लूं। तुम कहीं भी बात कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं। हेलो, ये विशाल नहीं मान रहा है क्या? अच्छा ठीक है, देखो आप कह रहे हो नहीं मान रहे, वो बेचारी रो रही है, वो कह रही घर ले आओ, उसकी सारी शर्तें मान लो। बेटा बोलो तो आपकी क्या शर्त है? मैं आपकी सारी शर्तें मानने को मजबूर हूँ। बेटा मेरे पास इतना पैसा है, इतनी धन दौलत सब तेरी है, आप क्यों इस तरह के काम कर रहे हो? हैं? एक लड़की के पीछे आपने जो है पूरे परिवार को छोड़ दिया। वो एक लड़की नहीं, वो होने वाली मेरी बीवी, और तुम्हारा पैसा तुम्हारा धन दौलत ना भैया भाड़ में कहते रहो, मुझे मतलब नहीं है। अरे नहीं बेटा, आप मेरी एक ही इकलौती औलाद हो, सारा सब धन दौलत सारी प्रॉपर्टी सब मैं आपके नाम कर दूं। ये तो क्या काम कर रहा है? ये काम तेरे लायक है? तेरे घर में 10-10, 20-20 नौकर है तेरे बाप के, ये क्या काम कर रहा है? पापा तुम बताइए क्या है? ये मेरी रोजी रोटी है, इससे मेरा पेट पलता है 6 महीने से। तुमसे मांगने की नहीं गया ना मैं, अपना कमा रहा हूं अपना खा रहा हूं, तुम्हें क्या दिक्कत है उससे? ये काम आपके लायक है? हाँ मेरे लायक है। 20-20 नौकर है जिनको 10-10, 20-20 हज़ार रुपया देता हूँ। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरा सर दर्द कर दिया यार। क्या नाटक लगा रखा तुमने जब से तुम यहाँ पर आए हो? अब तुम्हारी ना बहुत ज्यादा बर्दाश्त होगी। आज की बात जो तुमने शक्ल देख ली ना, तुम्हें वो भी देखने को नहीं मिलेगी। मैं जा रहा हूँ अपनी जिंदगी में, खुश रहूंगा ना तुमसे कोई मतलब, और आज की बात मेरे को अभी दिखना ही मत। तुम चल, तू चल मेरे साथ। बेटा 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 रुक रुक बेटा रुक रुक क्या है बेटा? जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही मानने के लिए तैयार हूँ, आप घर चलो। अब मैं इस लड़की को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पहले तुम वहाँ पे बैठ के मुझे बताओ, बैठो, क्या कह रहे हो तुम? यही बेटा है आपका? हाँ यही है मेरा बेटा। भाई क्यों बाप को परेशान कर रहा है भाई? भाई आप कौन हो? पहले तो मेरे को आप ये बताओ, अभी मैंने आपको ऑर्डर दिया था और अब आगे आप ड्रामा बता रहे हो। तुम्हारे पापा के साथ हूँ, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ। तुम्हारे साथ है ये? भाई है। और तुम्हारा भाई है ये? ये तुम्हारा भाई कब से आ गया? मैं तुम्हें जानता हूँ 6 साल से, तुम्हारा कोई भाई नहीं था। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, मेरी बात समझो, और इनके पास माइक भी लगा हुआ है। तुम्हारे पापा तुमसे बात करने आए हैं। अब देखो इनकी उम्र हो चुकी है, गुस्सा आ रहा, समझने की तुम कोशिश नहीं करोगे तो कौन समझेगा भाई? इकलौते बेटे हो तुम। भाई मैं इनकी सारी बात मान नहीं, देखो तुम अपने जगह पे सही हो लेकिन ये जिद सही नहीं है। प्यार से सुन लो ये क्या कहना चाहते हैं। अंकल जी आप प्लीज प्यार से बात करो इनसे, बेटा है आपका। बेटा मैं बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। बेटा आप क्यों ऐसे जिद पकड़े बैठे हो कि घर नहीं जाना? बेटा घर चल, सब कुछ आपका, मेरे आगे पीछे कौन है? कोई कंडीशन तो बोल दे, तुम्हारे पापा को कैमरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इनके सामने पूछ सकते हो तुमको क्या चाहिए, तो तुम घर वापस आओ। भैया देखो मेरी ना शुरू से सिर्फ एक कंडीशन है, मैं इनसे प्यार करता हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ बस। ठीक है एक मिनट रुक जाओ, ठीक है एक मिनट रुक जाओ। जान भी तुम सच बताओ, प्यार करती हो इससे? हाँ। किस कंडीशन में रहना चाहोगी इसके साथ? कैसे भी रह लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये अपने बाप के पास नहीं जा रहा, तुम्हें अच्छा लग रहा है? एक बाप को अपने बेटे से दूर कर रही हो? नहीं मैं करना ही नहीं चाहती, मैं तो बोल रही हूँ कब से। तुम बीबी की बात सुनो, सॉरी गर्लफ्रेंड की बात सुनो, तुम वो क्या कह रही है? उसे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, तू घर में घर से बाहर है यार। देख भाई कोई गरीब है तो उसकी किस्मत, तू अमीर है तो तेरी किस्मत, तू क्यों जानबूझ के गरीब बन रहा है? तू अगर अपने बाप के साथ रहोगे, तुम्हारे पापा अगर मानते हो तो तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। अपने बेटे को एक्सेप्ट करते हो घर पे? हाँ करता हूँ। लेकिन आपको इससे शादी करानी पड़ेगी, बेटी डांसर है क्या है नहीं है किसी रूप में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करोगे आप? हाँ मैं इसको बेटी के रूप में भी एक्सेप्ट करूंगा। बोलो बेटा। बेटा मैं इसको बेटी के रूप में भी एक्सेप्ट करूंगा, बहू के रूप में भी एक्सेप्ट करूंगा। ये बात इन्होंने कैमरे के सामने बोला, ये बात आपके कैमरे भी अभी तो बोल रहे, बाद में मुखरेंगे तो नहीं? जो मुखरेंगे तो भाई मेरे पास वीडियो एविडेंस है भाई, बस तुम ये प्रॉमिस करो कि इन्होंने प्रॉमिस किया तो तुम आप इनको लेके तुम इनके घर रहोगे, ये शादी धूमधाम से करवाएंगे। बस भाई मेरी शादी करवा दे, बाकी तो मैं रहूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा 2-4 महीने थोड़ा आराम फिर है? नहीं 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 देख रहे हो फिर से नाटक इनका चालू होगा ना, मुझे पता है ना। तो आप चलो ऐसा कर लो, मैं तो कह रहा हूँ मेरी तुम 2 दिन में शादी करवा दो। तुम करोगी 2 दिन में? आप बताओ। बेटा 2 दिन में इतनी जल्दी, इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं होता है, कम से कम 2 हफ्ते का टाइम दे। एक हफ्ते का टाइम दे, पापा है तुम्हारे, रेपुटेशन है, इज्जत है, बड़े बड़े लोग आएंगे, इनविटेशन जाएगा, कार्ड बनेंगे, सजावट होगा, बहुत चीज़ें होती है ना भाई,
प्रॉमिस ये कर रहे हैं कैमरे के सामने, अगर नहीं करते हैं अगर एक हफ्ते में शादी, तुम ये वीडियो मेरे से लेना और अपलोड करवा देना या फिर पुलिस को दे देना। देख भाई एक हफ्ते का टाइम दो अंकल को। जी भैया। एक हफ्ते में ये तैयारी कर लेंगे। ओके अंकल, एक हफ्ता चलेगा? हाँ ठीक है चलेगा। बोलो बेटे को। बेटा एक हफ्ते में मुझे थोड़ा सा टाइम दे, कार भी छपवाने बटवाने भी है, हलवाई भी बुक करना है, हर आदमी बुक करना है, टेंट वाला सब बुक करना है। एक हफ्ते का टाइम, तेरी बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा। बस हो गया भाई, यही शॉर्ट था। मेरी बात सुनो। ठीक है, लेकिन तुम इनके साथ जाओगे? जी। देखो जोमेटो का काम देखो उनके लिए है जो नीडी है, जो जरूरत है। आप अपने घर के में पापा का काम संभालो, उनकी बिजनेस संभालो। जी भैया। क्या पता शायद पापा जितना कंपनी खड़ा करा है आप उनसे ज्यादा ले जाओ। आप यंगस्टर हो, ये बूढ़े हो चुके हैं। जी ठीक है ना भाई, सही। आप बोलो पापा को। ठीक है, मैं आपका सारा काम संभालूंगा। पापा बेटा ये मेरा काम नहीं है, सब आपने संभालना, आगे बढ़ाना सब आप ही का नाम है। आप अच्छा काम करोगे तो मेरा नाम अपने आप रोशन हो जाएगा। तो आप अभी माने, पहले मान गए थे, मैं तो पहले आपके पास ही लेके आया था ना, आपने पहले मना कर दिया था, मैं घर से जाता ही नहीं। पहले की बातें मत करो, अभी जानवी भी खुश है, जानवी से पूछ लो, तुम अपने मन से पूछना है पूछ लो। क्या जानवी, अब सारी बात क्लियर होगी तुम्हारे लिए, अब तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अब तो तुम शादी कर ही लोगी ना। चलो ठीक है पापा। देखो बेटा अपने घर में इस तरीके से रहना कि आप लोगों की रेपुटेशन से हमारा नाम रोशन हो। हाँ। लोग कहें अब भाई उनके बेटा बहू है। हाँ। जो पीछे बीता है उसको भूल जाओ, जो बीता हुआ कल है। बाकी देखो अंकल, जो भी सारी चीजें होगी आप समझ लो, बूझ लो, बच्चा है आपका, आपकी होने वाली बहू है, और ठीक है भाई। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं ना मेरे से? बस बस भैया, भाई मैंने जो भी किया ना मजबूरी में किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सब कुछ करवाया। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, थोड़ा मेरे को सॉर्ट आउट कर। समझ रहा हूँ कि मैं घर से दूर था तो माँ बाप भी परेशान थे, उनको भी तकलीफ थी। नहीं मेरे बच्चों, तुम किसी चीज़ की चिंता मत करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, और मेरा जो भी कुछ काम कारोबार है उसको संभालो, अपना काम बढ़ाओ। चलो मैं बैग जमा कर देता हूँ। हाँ जाओ, और ये काम को दोबारा कभी नहीं करना। ठीक ठीक।